आज जो हमारे यहां पर गेस्ट हैं उनके YouTube के ऊपर तीन मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन आज तक उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया है आज पहली बार उनका फेस रिवील होने वाला है उनका मोटिवेशनल चैनल है सो प्लीज गेव एन एनर्जी वेलकम टू द फाउंडर ऑफ मिस्टर प्रोटॉन अरे अरे प्लीज सर मैं 2016 में आपका सेशन हुआ था फंडू फंडास नाम की आपकी आपकी एक, एक सीरीज़ थी उसमें मैं अ ऑडियंस आया था बैठा हुआ था 2016 हज़ार सोलह अच्छा हाँ और मैं पीछे पीछे बैठा हुआ था मैं सोच रहा था मेरा नंबर आ जाए कैसे भी घर के क्वेश्चन पूछने में या आपसे बात करने में लेकिन अगर मैं वहाँ से निकल करके यहाँ पर आ सकता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है बहुत बढ़िया आपने अपना ये चैनल कब शुरू किया था कौन से साल में शुरू किया था 2016 में ही किया था आपका सेशन देखा कहा से आई है मोटिवेशन अपना चैनल शुरू करने की स्पेशली एक मोटिवेशनल चैनल आपको 2014 से मैं फॉलो कर रहा हूँ ठीक है मैं टेंथ क्लास में था उस टाइम सर का लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो था वो आया था यूट्यूब के ऊपर तो उसको मैंने देखा था मैंने कहा यार क्या बंदा है ये मतलब खतरनाक है स्टेज पे फायर लगा देता है पूरी तरीके से मतलब ऐसा बंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा था मैंने कहा मोटिवेट होना है तो इनसे होना है और इनके जैसा बनना है तो फिर मैंने सर की अडेप्टशन लेना स्टार्ट कर दिया सर जैसे बोलते थे वैसे हाथों को हिलाना ऐसे कॉफ़ी पीते हैं तो भी ऐसे करते हैं सर तो सर की जितनी भी चीजें वो अडेप्ट कर ली और टेंथ क्लास में सर से मोटिवेट होकर के नाइन्टी परसेंट से ज्यादा स्कोर किया टेंथ में उसके हाँ। बाद सर मैं इलेवंथ में आया इलेवंथ के अंदर हमारी स्कूल में असेंबली होती थी प्रार्थना सभा उसके अंदर सबको अलग अलग टास्क दिए जाते थे कि ये कविता बोलेगा ये मोटिवेशनल स्पीच बोलेगा ये गीत गाएगा तो मेरा हमेशा से था कि मैं मोटिवेशनल स्पीच दूंगा तो मैं आपका सेशन घर से देख करके जाता था सेम टू सेम डिट्टो जाकर के कॉपी अरे वाह और कैसा रिस्पोंस आता था अच्छा खतरना, बढ़िया खतरनाक सर खतरनाक एक बार बताता हूँ आपको हमारे मतलगे। प्रिंसिपल थे उनको तालियों से दिक्कत थी वो बोलते थे ऐसे तालियां बजाते हो तो मच्छर या जो भी जीव होते हैं मरते हैं बोलते थे हिंसा आएं, के सेशन में तो पता नहीं हाँ। कितने मर जाते हैं तो उन्होंने कहा कि तालियां नहीं बजानी है अगर एप्रिसिएशन करना है तो ऐसे फूल ऐसे बरसा दो हाथों से अच्छा अच्छा क्या फूल फूल ऐसे ऐसे फूल बना के ऐसे ऐसे-ऐसे बरसा दो अच्छा, बस ठीक ऐसे ऐसे हाँ, हाँ, है, तो हाँ, है। कर रेडी करके गया और सबके सामने जाकर मैंने कहा आज मैं पत्थरों में जान फूंकने वाला हूँ जैसे ही सेशन खत्म हुआ मैं स्पीच खत्म हुई तालियों से गड़गड़ाहट शुरू और प्रिंसिपल हैरान कि ये क्या कर दिया इसने फिर लास्ट में मुझे वहां पर इतने अवार्ड्स मिले स्पीकिंग के वो सारे आपकी वजह से क्या बात है आई एम सो ग्लैड आप रहने वाले कहां के हो कहां से आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी राजस्थान से मैं चूरू से जब आपने अपना चैनल शुरू किया तब आपकी एज कितनी थी एज आई थिंक 2016 में किया था अभी मेरी एज चौबीस साल है तो छह साल माइनस छह साल माइनस कर लो मतलब अठारह साल अठारह साल उसके बाद मैंने सोचा कि एक मिस्टीरियस चैनल बनाते हैं जिसके अंदर मिस्टीरियस तो चीजें होंगी जैसे जो रहस्यमय चीजें होती है लेकिन उनमें भी पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में प्रोटोन रखा था ताकि ये मिस्ट्री आ जाए और प्रोटोन आ जाए मिस्टीरियस चीजों में पॉजिटिव चीजें क्योंकि प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो इस तरीके से मिस्टर प्रोटोन रखा उसके बाद मैंने मिस्टीरियस उस पर डालना स्टार्ट किया वीडियोज़ डाली नहीं चली उसके बाद मैंने सोचा कि संदीप आपने एक बात बताई थी कि आप जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो जिस चीज़ में आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हो उस चीज़ को अगर आप करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी फिर मैंने सोचा यार मैंने ऐसा क्या किया अपनी लाइफ में जिससे मैं सफल हुआ हूँ या जो भी कुछ हूँ मैं उसकी वजह से तो मैंने सोचा स्टडीज़ तो मैंने क्या किया एज़ इट इज़ जो चीज़ें मैं फॉलो करता था अपनी पढ़ाई में वो कि वो वीडियो में एज अ वीडियो बना दी और सारी चीज़ें में वो वीडियो डालते ही वीडियो में एक दिन में एक मिलियन व्यूज़ आ गए उसमें

फिर मैंने यूट्यूब को मेल करना स्टार्ट किया अब यूट्यूब इतनी बड़ी कंपनी है सबके मेल्स तो पर्सनली चेक हो नहीं सकते बोर्ड्स होते हैं तो वो जैसे ही अपन मेल करते हैं एक सेकंड में रिप्लाई आ जाता है मुझे पता था ये बोट रिप्लाई कर रहा है तो मैंने तीन महीनों तक लगातार यूट्यूब को मेल किए और फाइनली एक दिन मैं बैठा हुआ था मेल कर ही रहा था सुबह से अचानक से उस दिन टाइम लगा थोड़ा मेल का रिप्लाई आने में लेकिन उस दिन आया कि हमने आपका चैनल चेक किया कोई प्रॉब्लम नहीं हम आपको वापस से इसको रीइनिशिएट करते हैं चैनल को अच्छा उसके बाद में आ, क्या आपका जो सक्सेस का ग्राफ है वो ऐसा रहा या फिर फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन कैसे चला सर, आपका यूट्यूब का करियर स्टार्टिंग में तो एकदम अप जाता है उसके बाद डाउन भी आते हैं वापस से अप जाते हैं ये जिंदगी है ये कभी ऐसे नहीं चलती ऐसे चलती है हमेशा अप डाउन अप डाउन आते रहते हैं उसके बाद सर दो के अंदर मेरे साथ एक ट्रेजडी हुई दिवाली का दिन था और मेरे मतलब स्लिप डिस्क हो गई थी जो बैक बोन में फ्रैक्चर होता है वो हो गया था तो उसकी hmm. वजह से मैं चल नहीं पा रहा था उठ नहीं पा रहा था बैठ नहीं पा रहा था सब में दिक्कत होती है उसमें फिर मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया प्रॉपर मैंने कहा ये कैसे होती है इसको ठीक कैसे किया जाता है फिर मैं उसके डीप में गया मैंने कहा स्लिप डिस्क की ये एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइजेज मैंने करनी स्टार्ट करी और धीरे धीरे मुझे इंप्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट हुई और एक महीने के अंदर मैं वापस से चलने लगा वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ उसके बाद स्लिप डिस्क होने के बाद 2020 में स्लिप डिस्क वापस से आती है पहले से मेजर फॉर्म में बहुत ज़्यादा पेन होता था वो पेन होने की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता था फिर मैं रात को लगातार तीन चार दिनों तक मुझे नींद नहीं आई मैं पूरी रात ऐसे देखता रहता था ऊपर छत की सीलिंग की तरफ कि नींद कब आएगी नींद कब आएगी और वो पेन होता रहता था इधर भी नहीं मुड़ सकता इधर भी नहीं मुड़ सकते ऐसे करके इतना पेन वो पेन होने की वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने के बाद लगातार एक दो हफ्तों तक मैं बिना नींद के रहा और मुझे इनसोमिया हो गया था फिर मुझे थॉट्स आने लगे सुसाइडल थॉट्स जो कि मैं मोटिवेट करता था लोगों को और मुझे ही सुसाइडल थॉट्स आने लगे और मुझे लगा कि यार मतलब ये जो पेन अभी मैं सहन कर रहा हूँ इससे अच्छा तो वो ख़त्म कर देना है सब कुछ ऐसा लगने लगा और फिर अंदर जाता यार नहीं यार तुझे ऐसा नहीं करना है तो कुछ करके जाएगा ऐसे इतनी आसानी से इतनी नहीं जाना तुम्हें तो उसके बाद एक दिन से रैंडमली मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था एक डॉक्टर मेरे सामने आए वीडियो आई उनकी डॉक्टर के के वर्मा नाम था उनका उनकी वीडियो आई उन्होंने डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स बताए थे उन्होंने कहा कि डिप्रेशन में नींद नहीं आती है हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सुसाइडल थाट्स आते हैं ऐसे ऐसे करके तो मुझे वो सिम्टम्स मैच करे सारे के सारे फिर मैंने उन डॉक्टर को कॉल किया फिर सुबह अगले दिन मैं उन डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो रहा है मुझे नींद नहीं आ रही है तो बोला आपको डिप्रेशन है मैंने कहा सर डिप्रेशन मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई स्ट्रेस ही नहीं लिया मैंने कभी आज जिंदगी में मोटिवेटेड इंसानों मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ तो बोला आजकल एक इंडिजिनस डिप्रेशन नाम की चीज़ है जो ऑटोमेटिकली आजकल जो हम फूड हम खाते हैं उसमें सारे पौष्टिक वो तत्व नहीं होते उसकी वजह से हार्मोनल लेवल इंबैलेंस हो जाता है जो सेरेटोनिन होता है उसका लेवल कम हो जाता है जो फील गुड हार्मोन है वो कम हो जाते हैं और जो फील बैड है वो बढ़ जाते हैं जैसे कोर्टिसोल वगैरह आई एम नॉट अ हेल्थ प्रोफेशनल बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ तो उसके बाद में मैंने उनका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया अब ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया तो मैं मुझे नींद आ गई आने लगी सब कुछ ठीक होने लगा पहले की तरह होने लगा सब कुछ अच्छा लगने लगा उस टाइम सर जब मैं डिप्रेशन में था वो नींद नहीं आती थी, थी रात को मैं आपकी वीडियो देखता था क्योंकि डर लगता था अंदर से कि अब जिंदगी कम ही दिन हो गया लेकिन अपने फेवरेट इंसान की वीडियो देख लेते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में बताते थे इंसान कभी मरता नहीं है सिर्फ शरीर मरता है हम अमर रहते हैं तो मैंने कहा चलो मरेंगे तो शरीर मरेगा अपन तो जिंदा रहेंगे कोई दिक्कत कोई दिक्कत मेरी वीडियो को लोग

उस टाइम सब कुछ अकेला करता था स्क्रिप्टिंग वॉइस ओवर एडिटिंग सारा काम अकेला करता था उसके बाद पता चला कि सबकी टीम होती है एक टीम बना लेते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने एक राइटर को ज्वाइन करवाया उसके बाद में एक एडिटर को पकड़ा ऐसे करके पहले तीन जनों की टीम बनी उसके बाद आज हम दस जनों की टीम है जो इस चैनल पर वर्क कर रहे हैं स्टार्टिंग में सर मैं बताऊं हमारी एरिया में दस हज़ार रुपये महीना भी बहुत ज़्यादा मानते थे कि दस हज़ार रुपये महीना भी बहुत ज़्यादा होता है आज मैंने दस लाख टच कर दिया है महीने का आपने सीटी बजाई मैं आपको बता देता हूँ दस लाख रुपए इनको मिला है आपको नहीं मिला है हाँ। मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ गो ऑन चाहे हम चले जाएं हम ना रहें लेकिन शो चलते रहना चाहिए शो नहीं रुकना चाहिए तो मैंने क्या किया मैंने कहा है, आते हैं ठीक है तो मैंने प्रोटोन की जगह फिर इलेक्ट्रॉन एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं दिल्ली के ही हैं उनको मैंने पहले अब आवाज़ भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए ऐसे लोग नकार दें ऐसी आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए तो मैंने बहुत रिसर्च करी फिर उनकी आवाज़ में पॉजिटिविटी मुझे मिली तो मैंने उनको अप्रोच किया मैंने कहा मैं प्रोटोन हूँ आप मेरे भाई बन जाइए और बोलिए कि मैं हूँ मिस्टर प्रोटोन का भाई मिस्टर इलेक्ट्रॉन सो लेट्स विगैन अब मेरी वीडियो की शुरुआत हमेशा ऐसे होती है तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन सो लेट्स बिग गन ऐसे स्टार्ट होती है तो उन उन्होंने अब ऐसे कर दिया कि मैं हूँ मिस्टर प्रोटोन का भाई मिस्टर इलेक्ट्रॉन तो ऐसे करके उनकी वीडियोस आने लगी अभी और मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल गया बीच में ताकि मैं मेडिसिन लेकर के बाप

खुद के भी माइंड के लेवल पे बॉडी के लेवल पे बहुत तरह के एक्सपीरियंस देखे हैं मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो फेजेस आते हैं ना हमारी लाइफ में ये टेंपररी होते हैं बस इसको हमेशा याद रखना है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो लेकिन वो आज बड़ी लग रही है आने वाले एक साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना एक साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी होता क्या है कि जब हम एक प्रॉब्लम में में होते हैं हैं क्योंकि आपका फेस देख करके, देख करके करके आपकी आंखें मैं लगा सकता हूं कि इस वक्त आप कितने पेन में हैं और उसके बाद भी आप लड़ रहे हैं तो मैं आपको बस ये कह सकता हूं क्योंकि अब हम फेस टू फेस बैठे हैं आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो तो मैं आपकी आंखों में आंखें डाल करके ये बोल सकता हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा सच बोल रहा हूं कि ये जो फेज है ये टेंपररी है निकल जाएगा थोड़ी सी हिम्मत रखनी है अपने काम पे ध्यान देना है और साल छह महीने के अंदर अंदर सब पास्ट में हो जाएगा थैंक यू सर और वापस से सब कुछ बढ़िया होगा सर <स्थाथ> ने जो भी बात थी वो बिल्कुल सही है मैं डॉक्टर साहब के पास जितनी बार जाता था मैं उनको हर बार नई प्रॉब्लम बताता मैं क्या सर इस बार बाल झड़ रहे हैं इस बार यहाँ पेन हो रहा है इस बार हाथ दर्द कर रहा है तो बोलते थे तुम है ना खुद की बॉडी सेंट्रिक हो गए हो पूरे दिन बॉडी के बारे में सोचते रहते हो और कोई काम करते नहीं हो तुम बिजी हो जाओ उसके बाद देखना सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी तो ये बात सही है कि हमें बॉडी सेंट्रिक नहीं होना बिजी किसी किसी न किसी काम में बिजी हो जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम चली जाती है और प्लस बॉडी के लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है नहीं, नहीं। तो अगर तो एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है यानी जैसे इन्होंने बताया स्लिप डिस्क है तो आपको एक्सरसाइज करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है या फिर अगर आपको पता लग चुका है ये बात अगर इतनी अवेयरनेस है आपके अंदर कि एक्चुअल में फिजिकली है ही नहीं है प्रॉब्लम मतलब चेकअप करा लिया ना एंडोस्कोपी करा लिया अब इससे ऊपर और क्या कराऊ तो मुझे पता है ना कि नहीं है अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहम है तो वहम का क्या इलाज है दुण 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 दुण। है जाओ उससे जैसे एक वहम होता है बड़ा ही कॉमन बचपन में मुझे होता था आपको भी होता होगा अभी भी शायद कुछ लोगों को होता होगा जब घर में कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं होता रात का वक्त होता है और आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि पीछे कोई है ऐसा होता ही नहीं होता है और आप तेज उतरने लग जाते हो कभी ऐसा फेस किया है ना आप लोगों ने तो अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है पीछे मुड़के देखो ये वह पीछे मुड़ के देखो अबे कौन है सामने आ <laughs> नीचे उतरने की बजाय ऊपर चढ़ो सच बता रहा हूं आपको भिड़ जाओ उस फियर से बोलो रोज रोज मरने से अच्छा है इस भूत की वजह से एक ही बार मरेंगे अब या तो तू नहीं या मैं नहीं भिड़ जाओ पूरी तरीके से हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा थैंक यू सो मच अपनी ये स्टोरी आप यहाँ पर शेयर करने के लिए और इतना खुल करके दिल से सबके साथ में बात करने के लिए और थैंक यू सर मेरा सपना पूरा करने के लिए आपसे मिलने का अरे मोस्ट वेलकम जी मोस्ट वेलकम